हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सी सेंटर पॉलिटी का टॉपिक देख रहे हैं हम क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अभी पार्लियामेंट पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है जो उनमें से एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी ठीक है उसने 55 रिपोर्ट में एक कुछ अपनी कंसर्न्स इशू किए हैं हम उसको देख रहे हैं देखिए हाउस ऑफ कमेटी कॉल फॉर द मेडिकल फैसिलिटी फॉर ट्रूप एज अ फॉरवर्ड लोकेशन मतलब अभी फिर उसके बाद मिनिस्टर में ज ऑफ दाई अल्टीट्यूड मतलब क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट इन द आर्मी होता क्या है कि इंडिया का जो आर्मी होती है जो हाई अल्टीट्यूड पे होती है जैसे हम सियाचिन ग्लेशियर पे चले जाइए ना वहां पूरे साल जो है कि क्या होता है लेस देन जीरो मतलब जीरो डिग्री के नीचे जो वहाँ का टेम्परेचर होता है एकदम आइस फ्रीजिंग पॉइंट होती है वहाँ पे राइट तो वहाँ पे हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट और स्पेशली उसके लिए बनाए गए होते हैं तो उस चीज़ को लेकर के इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाए तो उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट हाउस की जो कमेटी होती है उसमें एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो इंपॉर्टेंट हमारे कब कैसे कहाँ कैसे एक काम करती है आइए हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं देखिए टू टाइप की अपना पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं ठीक है पहली कमेटी स्टैंडिंग कमेटी होती है जो परमानेंट कमेटी और एडहॉक कमेटी होती है टेम्पररी होती है जो एडहॉक कमेटी होती है वो दो तरह की होती हैं सबसे पहले हम स्टैंडिंग कमेटी के बारे में देखेंगे वो एवरी ईयर सॉल्व की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर जो कि ये स्टैंडिंग कमेटी होती है छह तरह की होती है सबसे पहले देखिए फाइनेंशियल कमेटी होती है फाइनेंस से रिलेटेड होती है फाइनेंस कमेटी दूसरी डिपार्टमेंटल कमेटी तीसरी जो कि कमेटी और टू इंक्वायरी कमेटी टू स्क्रूट

तो हम सीधे चलेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है कैसे है कैसे काम करती है इज डेट क्लियर यहाँ पे देखिए फाइनेंस कमेटी के जो पहली कमेटी है हमारी हमारे यही जो कि न्यूज में रही है कि इसने अपनी रिपोर्ट जो फिफ्टी फाइव दिया है सबसे पहले देखिए नाइनटीन नाइनटी वन में स्टेब्लिशमेंट किया गया और अंडर नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन उन्नीस सौ इक्यान उन्नीस जो नाइनटीन एक्ट था प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें किया इसके बाईस मेंबर्स होते हैं ठीक है इसके बाईस मेंबर होते हैं एक सेकेंड थोड़ा सा इसके 22 मेंबर होते हैं और ये पंद्रह लोकसभा के आते हैं रेस्ट सात जो होते हैं राज्यसभा मतलब दोनों हाउस के की जो होते हैं ठीक है पंद्रह और साथ दोनों हाउस के होते हैं और इलेक्टेड किए जाते हैं एवरी ईयर अब प्रिंसिपल ऑफ द प्रपोशन के बेसिस पे और सभी पार्टी का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है और ये वन ईयर के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है और इसके जो चेयर अब मिनिस्टर होते हैं सॉरी जो कैबिनेट के अब मिनिस्टर होते हैं स्टेट या फिर कैबिनेट में वो इसके जो कि मेम्बर्स नहीं होते हैं और इसके जो चेयरमैन होते हैं ना वो वो जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन के होते हैं नाइनटीन सिक्सटी से पहले इससे पहले जो है कि रूलिंग पार्टी के हुआ करते थे बट इसके बाद जो है कि ये

तो हाउस से एक कमेटी के पास जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है फिर वो एग्जामिन करती है जैसे सी ए जी क्या होता है वो ये देखता है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ वो सही डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ है जो दिया गया कितना एक्सपेंडिचर हुआ कितना जो कि रिमैंड है बचा हुआ है तो ये सारी चीज़ों को देख करके जो कि एग्जामिन किया जाता है और पब्लिक अकाउंट कमेटी अच्छे से इसको स्क्रूटनाइज करती है इज दैट क्लियर तो हमें एग्जाम हमें जो कि क्लियर हो जाना चाहिए सबसे पहले को जो क्वेश्चन पूछेगा ये कब इस्टिश किएगा पहली बार जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 19, 1952 में पहली पब्लिक अकाउंट कमेटी स्टेब्लिशमेंट की गई लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंट 1921 में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आया हुआ था और एवरी ईयर होता है प्रोपोर्शनल बेसिस पे होता है ऑलमोस्ट सभी पार्टी का जो कि पार्टिसिपेशन होता है और इसमें जो मिनिस्टर होते हैं इसके जो कि मेम्बर्स नहीं हो सकते वन ईयर का टेन्योर होता है और इसके जो चेयरमैन होते हैं नाइनटीन से पहले जो कि रूलिंग पार्टी को हुआ करते थे बट इसके बाद जो है कि लीडर्स ऑफ अपोजिशन अपने जिशन से जो हुआ करते हैं जब, राइट right? तो ये एक बेसिक हमने ब्रीफ में डिस्कस करने की कोशिश किया और इस वीडियो में इतना थैंक यू थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन